नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं चैनल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें जयपुर से खबर, जहां पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 22 गोदाम सर्किल पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका है। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प, किरोड़ी लाल समर्थकों ने फोड़े पुलिस वाहन के शीशे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। हम आपको बता दें कि वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार का एक मामला सामने आया है और अब बीजेपी कार्यकर्ता दे रहे हैं गिरफ्तारी। पुलिस की बसों की साथ तोड़फोड़ किए गए हैं, बसों में नजर आ रहे हैं पत्थर। तो ये बड़ी खबर जयपुर से आ रही, जहां पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 22 गोदाम सर्किल पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका और इसके अलावा बताया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने प्रदर्शन किया। और इससे पहले कांग्रेस के बात किया जाए तो वहीं सीएम से मिलना चाह रहे हैं वीरांगनाएं, लेकिन सीएम अशोक गहलोत वक्त नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा टूट पड़ा। और ये देखिए, बैरिकेडिंग हटाकर लोग सीएम आवास की तरफ कूच करते हुए नजर आए। इसके अलावा इस दरमियान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। पुलिस बल के साथ धक्का मुक्की भी की गई है और इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के वाहन के शीशे तोड़ दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है। ये तस्वीर जयपुर की तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर 22 गोदाम सर्किल पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है।